अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं बताऊंगा कि आप फिजिक्स अगर आप ले रहे हैं तो कौन कौन से एवेन्यूज आपके पास है, बायो अगर आपके पास है तो कौन कौन से एवेन्यूज आपके पास है, दिस आई विल नॉट टेल यू। मैं आपको बताऊंगा इन जनरल एक ऐसा तरीका अपना करियर सिलेक्ट करने का कि आप लोग वहां उस करियर को सिलेक्ट करने के बाद आज से 10 साल बाद आप ये ना कहें कि ये मुझसे मिस्टेक हो गई, आई शुडंट हैव चूजन दिस करियर, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैनी ऑफ यू सी, आसपास देखिए, अपने बड़े बुजुर्ग को या अपने 20 साल बड़े लोगों को आप पूछिए उनसे, यार बनना तो ये चाहता था लेकिन बन नहीं गया, राइट? सुनते होंगे ये डायलॉग, राइट? सो ऐसा होता है तो क्या होता है एंड क्या किया जाए कि ऐसा हो ही ना, राइट? यू नीड टू हिट द बुलseye, ठीक है ना, एकदम टारगेट को हिट करें और रिग्रेट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? नॉर्मली हम लोग कैसे करें सिलेक्ट करते हैं, लेट्स ट्राई टू आस्क आवरसेल्फ, अपने आप से बात करते हैं। हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आते हैं तब हम सोचना शुरू करते हैं इसके बारे में। सो हम सबसे पहले अपने दोस्त से बात, ऐसे कि क्या कर रहे हो आप, तो आप लोग ना कि डॉक्टर बनने का सोचा, अच्छा हम भी कर रहे हैं क्या, दोस्ती ना टूट जाए, राइट? दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमारे जमाने को 100% ऐसे ही होता था, बिलीव मी, ज्यादातर 90% तो ऐसे होता था कि दोस्त से दोस्ती ना टूटे, करियर तैयार है, सिंपल, राइट? ऐसे होता था, बट फ्रेंडशिप ना टूटे। जैसे मैं जब स्कूल में था तो तुषार को अगर खोजना है तो सचिन को खोज लो, और सचिन को खोजना है तो तुषार को खोज लो, राइट? यू फर्स्ट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो एक को खोज लिया दूसरा मिल जाएगा, राइट? बिकॉज टेलीफोन का मजबूत जो है टूटेगा नहीं। बट करियर में ऐसा नहीं होता, करियर में ऐसा नहीं होता। आपके घर में मान लीजिए कि तेरे ट्विंस हैं, यहाँ पे ट्विंस हैं, कोई ट्विंस है, दो ट्विंस यहाँ पे दिख रहे हैं, उधर हैं, इधर हैं, 99% अलग होंगे ये लोग अपने बिहेवियर में। एक ही मदर एक ही फादर, ऑलमोस्ट सेम टाइम, टू डिफरेंट पीपल, एक ही तरीके की एजुकेशन, एक ही तरीके की अपब्रिंगिंग, बट टू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट? हाउ कैन टू फ्रेंड्स बी अलाइक, राइट? हाउ कैन वी बी अलाइक एंड वी कैन से लाइक द सेम करियर, वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड द होल रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, व्हिच विल डिटरमाइन कि हमारे पास कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा, क्या एजुकेशन होगी, क्या फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी, क्या फेम होगा, वो सारी उसमें डिसाइड करना है। सो पहला चीज तो दोस्तों से पूछ लिया, पूछ भले लीजिए लेकिन करिए अपने हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आप, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और मैच्योर टॉक्स, आप अपने रिलेटिव और फैमिली मेंबर से बात करते हैं, राइट? अब मान लीजिए मैं आपका ब्रदर हूं, है ना, आप मेरे पास आए, कोई तुषार भैया क्या करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मेमोरी ट्रेनर बन जाओ, यही बोलूंगा ना, मेमोरी ट्रेनर बन जाओ, क्योंकि मुझे मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में पता है। अगर मैं इंजीनियर हूं और मेरे पास आप आए तो इंजीनियर बन जाओ, दिस इज अ ब्लंडर दैट वी नीड टू बी डूइंग। आप जिनसे जिनसे बात करें उनका बड़ा लिमिटेड दायरा है, उनका बहुत लिमिटेड दायरा है, और हो सकता है राइट गाइडेंस ना मिले, और फिर आप रिवर्स गियर लगाना चाहें अपनी लाइफ में तो लगाना पाए, और अगर लगाए तो सक्सेस होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, बिकॉज 10 इयर्स अपने जिंदगी